नमस्ते, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। वैसे तो गाजर का हलवा दो तरह से बनता है, आज मैं बना रही हूँ खोआ वाला। हलवा बनाने के लिए आधी कटोरी घी, आधा किलो खोआ, स्वाद अनुसार चीनी, 1 किलो गाजर ली है। गाजर को मैंने किस लिया है, सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल दिया है। अब खोआ को भूनते हैं। भूनने से खोआ का टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए खोआ हमारा भुज चुका है। अब इसे मैं बर्तन में निकाल रही हूँ। मैंने खोआ भून लिया है, इसी में जो घी बचा है खोआ में छोड़ दिया है। अब इसी घी में मैं गाजर डालती हूँ। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। गाजर को 10 मिनट के लिए ढककर रखना है, इसलिए ये अच्छे से गल जाए। अब इसे खोल के देख लेते हैं। अभी इसमें पानी है, मैंने 10-10 मिनट में 2 बार इसे देख लिया है। अभी थोड़ा पानी रह गया है। अब देखो इसका कलर भी बदल गया है और गाजर भी गल गई है। गैस स्लो ही रखना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, ये भी सूखा जाता है, फिर इसमें खोआ डाल देंगे। अब इसे बंद नहीं करेंगे अपन। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी इसका सूख चुका है। अब हम इसमें खोआ डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं, इसलिए इसका कलर अच्छा आ जाएगा। प्लेट को अब हटा देते हैं। हलवा हमारा बनके तैयार है।